पसरदे पश्चियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को अब खुद संभालो, खुद संभालो। यार दाढ़ी, आज कुछ सर्दी सी नहीं है यार? आ ही गई है तकरीबन सर्दी अब। और एक बात बोले तेरे को अच्छे। बोल। आजकल मोहल्ले में जिसको देखो साला दादा बनने के चक्कर में लगा हुआ, बदमाश बनते हैं साले। लगता है करीम भाई से बात करनी ही पड़ेगी। अबे यार, ये आजकल जो फिल्में चली है ना, इन्हें देख देख के लौंडे जो है ना वो टपोरी बन गए, टपोरी। अबे करीम भाई, इजाजत तो दे दें, मार मार के सालों का टपोरीपन निकाल दूं। अबे निकालना नहीं है, खलास करना है, खलास। अरे भाई, ए भाई यार, टाइम क्या हो रहा है? भाई अंधेरे में नजर नहीं आ। अबे अंधेरे के बच्चे, इधर निकाल। माचिस निकाल जेब से। भाई जेब में क्यों हाथ डाल? बताऊं तेरे जेब में क्यों हाथ डाल रहा हूं मैं? हट, निकाल निकाल, पकड़ निकाल इसका। चल चल ओए, चल चल निकाल निकाल भाई, निकाल चले। चले बबन मियाँ, सुर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सुल्ताना जल्दी कर भाई, देर हो रही, टिफिन ले गया। दाना जी, जल्दी टिफिन ले गया, देर हो रही है भाई। टिफिन तैयार है। बड़ी मेहरबानी आपकी। नौशे नौशे, तू मुझे एक बात बता, कभी मैंने किसी से तलखी से बात की है? कभी तेरे बाप ने अल्लाह बख्शे किसी के साथ बदमिजाजी से बात की है? तू मुझे ये बता कि तेरे लहजे में ये कड़वाहट कहां से आ गई, तेरे अंदर ये गुस्सा कहां से भर गया? अच्छा देख, मेरी बात सुन, जब काम पर जाए ना तो उस्ताद कुछ कहे, कोई ऐसी वैसी बात, तो बर्दाश्त कर लेना, जवाब ना देना। अच्छा, अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, उस्ताद को गुस्सा दिखा के मुझे क्या अपनी हड्डियां तोड़वानी है? टिफिन दे दर, जा रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। और ये दरवाज़ा बंद कर। आवारा दोस्तों की सोहबत ने बिगाड़ दिया इसे, पता नहीं क्या बनेगा इसका। चल दफा। और क्या हाल है जिगर, कैसा है शामी टिका के? ये क्या मक्खियां भगा रहा है शामी? हाँ। क्या हो गया तुझे? भूत देख लिया इसने। हाय, भूत ऐसा होता है? हाँ? अब अब्बा है मेरे, इसमें तेरा क्या कसूर है? आई मैं सदके जाऊं टिका के, अनवारी जाऊं अब्बा के, आई कुर्बान जाऊं अब्बा के, आई वलहारी जाऊं अब्बा के, आए अल्लाह अब्बा की जवानी सलामत रखे टिका के। आए दूधो नहाओ पूतो फलो। चुप, दूधो नहाओ पूतो फलो। मेरे एक पूत को तो बर्बाद कर दिया तुमने, अब क्या इस उम्र में नया पूत आसमान से गिरेगा? अरे कमबख्तो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे
क्यों तबाह कर रहे हो मेरी नस्ल को, क्यों बिगाड़ रहे हो उसको? आए अब्बा मियाँ, अपनी इस कमजोर सी जान का ख्याल रखो, दाड़ो नहीं कहीं ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए टिका के। खामोश जाओ, मैं कह रहा हूँ, वरना तुम्हारा इस बाजार में आना बंद करा दूंगा। अपनी बेइज्जती क्यों कराती है इनके हाथों? तुम भी सुनो बड़े अब्बा, हमारा यहाँ आना तो क्या बंद करवाओगे? पहले अपने बेटे का आना बंद करवा दो अगर करा सको तो। और सुन ले शाम में, हाय सितारों से आगे जहाँ और भी है, और इस बस्ती में ऐसे अब्बा और भी हैं, और जाते आते तुम्हें दुआएं दे के जाते, अल्लाह करे तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो जाओ। आए अल्लाह ना करे, आए हमारी बरादरी का भी कोई स्टैंडर्ड है टिका के। सलाम सलीम भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। नौशे कहाँ अभी? तेरे तो दीदार को हम तरस गए। सलीम भाई आज ये बड़ा वाला गेट क्यों बंद था? अब्दुल्ला मिस्त्री आज का 8 बजे बंद करा देता है, और अब टाइम देख क्या 9:30 बज गए। 9:30, तेरा ना हाल ठीक लग रहा है ना चाल ठीक लग रही। नौशे तुझे हो गया क्या? सलीम भाई वो एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? मैं समझा लड़ाई झगड़ा हो गया। और तू तो वैसे ही हीरो है और 10-15 आदमियों को मार देता है, कभी कभी हीरो खुद भी जख्मी हो जाता है। क्यों मजाक उड़ाते हो सलीम भाई? मजाक उड़ाने वाले काम तो तू खुद करता है ना। तो सुना रात को तू फिल्म देखने जाता है, अपना टाइम भी बर्बाद करता है और अपने पैसे बर्बाद करता है, और रात को देर से सोता है और देर से उठता है, सुबह देर से काम पर आता है। क्यों अब्दुल्ला मिस्त्री झाड़े खाते? चल काम कर जाके जा। मेहरबानी। क्या सुनो तेरी बात? उस बुड्ढे ने इतनी बेइज्जती की ना, पूरे तन बदन में आग लग के रह गई। अरे वही तो, मेरा भी दिमाग घूम रहा है। ये दुनिया वाले है ना, ये दुनिया वाले हमें कमजोर समझते हैं। तू कहने क्या जा रही है, खुल के बात करना। आए तो फिर गौर से सुन, मैं इस बुड्ढे से इंतकाम लूंगी। कैसे? आए इसका बेटा छीन करना, इसको अपने और अपने जैसों के कदमों में ना झुकाया, और इसके नाक से लकीरें ना निकलवाई, तो मेरा नाम भी अनिला नहीं टिका के। ओ प्यारे, तू क्या हमारी बातें सुन रहा है? 2 कप चाय दे। वैसे हमारे तन बदन में आग लगी हुई है। अब बुड्ढे तू भी सुन ले, हमारी दुश्मनी भी बुरी और हमारी बदवा भी बुरी टिका के। बुड्ढा मुआ खूसट, गोली मार दूंगा कम्बक तो। अरे कम्बक, कोई अच्छा काम तेरे नसीब में है ही नहीं, है ही नहीं। अरे शैतान की औलाद। अबे मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता। अबे ये तेरा नाम जानते हैं, तेरी दोस्ती का दम भरते हैं कम्बक। ठीक है, अब तो इन लोगों ने बचा लिया, लेकिन तेरा घर में बुरा असर करूंगा। आइए आइए बर्बाद कुमार साहब, तशरीफ ले आए। चाल में कुछ गड़बड़ है। 2-3 दिन से कहाँ थे? क्या शूटिंग पे थे हीरो? वो गाड़ी चेक किनी की जो सुबह आई थी, किनी की तुम लोगों ने? अबे कहाँ था इतनी दिनों से तू? कहाँ कहाँ हाजिर था तू इतनी दिनों से? वो उस्ताद एक्सीडेंट हो गया था रोड क्रॉस करते हुए। एक्सीडेंट? अबे झूठ बोलता, झूठ बोलता, झूठ बोलता, झूठ बोलता, झूठ बोलता, एक्सीडेंट हो गया था? अबे तो आंखें खोल कर रोड क्रॉस किया करो ना आदम की नस्ल। और अगर एक्सीडेंट हो गया था तो कहलवा नहीं सकते थे? कहलवा नहीं सकते थे? उस्ताद उस्ताद लगी हुई है यहाँ पर। उस्ताद किससे कहलवाता, घर में कोई था ही नहीं। अबे मुर्गी के, वो घर में तेरी माँ, तेरी बहन और वो छोटा भाई, क्या वो भी इसी एक्सीडेंट में मर गए थे है? या वो भी जख्मी थे? जख्मी थे, जख्मी थे, जख्मी थे। उस्ताद वो दोनों घर से निकलती नहीं है ना, और छोटे भाई को गैराज का पता नहीं है। अच्छा, झूठ बोलता, झूठ बोलता, झूठ झूठ बोलता, झूठ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है,
झूठ बोलता है, है? अबे तुम शागिर्द पेशा लोग जो होते हो ना, वो बड़े फितरती और झूठन के खमीरे से बने होते हो। एक बात बता, ये 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 मरम पट्टी कहाँ से कराई थी? मरम पट्टी कहाँ से कराई थी तूने? उस्ताद वो डॉक्टर मोटू है ना, उससे करवाई थी। अच्छा, वो फ्रॉडी अताई से पूछवाऊंगा उससे, और अगर झूठ निकला है यहीं सबके सामने, तेरा ये जिस्म है, तेरा जिस्म और उस पर लगे जख्म और चोटे देखूंगा। उस्ताद मैं सच बोल रहा हूँ, उस्ताद पूछवा लो तो, मैंने उसी से करवाई है। अच्छा अच्छा ठीक है। और नजीरे जी उस्ताद, काम दे इस मेरे बच्चों के मामू को। आ जाते हैं पिल्ले कहीं के, झूठ बोलते हैं, बहाना करते हैं। ये ले जल्दी से उस गाड़ी का दरवाजा देख ले, वरना उस्ताद फिर। किरण उठो बेटा, नाश्ता कर लो, सब वहां नाश्ता कर रहे हैं। अब तबीयत कैसी है, थकावट दूर हुई? हाँ थकावट उतर गई है। बस तो फिर ठीक है, शाम को तैयार हो जाना, एसपी साहब आएंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए तो ये घर लिया है, अब देखना तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे, तुम्हारे नाज नखरे उठाएंगे, बस एक छोटी सी महफिल करेंगे, समझ गई? समझ तो उसी दिन गई थी जिस दिन तुमने मुझे बेटी बोला था और मेरी माँ ने मुझे तुम्हें सौंप दिया था, और बाकी उस रोज समझ गई थी जब मैंने पहली बार अपने कानों में घुंघरू की आवाज सुनी थी। वाह, मुर्दा या तो बोला ही नहीं था, अब बोला तो कफन फाड़ के बोला। मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे दोराहे पर खड़ी हूँ जहाँ दोनों रास्ते गुनाहों की वादी से गुजर कर जहन्नुम तक जाते हैं। अगर खुदकुशी कर लो तो वो भी गुनाह है, और उस गुनाह की सजा सिर्फ जहन्नुम है। और अगर तुम्हारा कहना मानू तब भी गुनाह, और उस गुनाह का ठिकाना भी सिर्फ जहन्नुम है। वो नीलो बाजी किरण बाजी के लिए चाय बना दो। मैं तुम लोग की कोई नौकरानी लगी हूँ क्या? हाँ पारो आपा ने कहा है कि किरण बाजी के सर में दर्द है, चाय बना दो, जल्दी भेजो। उस महारानी के लिए चाय बनाओ, मैं उसके सर में दर्द है, चल जा। ये जरा एहतियात से खाने वाली चीजों के करीब नहीं रखना। ये उसी की आवाज का ज्वाला है जो तुम्हारा भी चेहरा लोगों ने पहचान लिया, तुम्हारा भी कुछ नाम हो गया, और उसकी आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी। जब बन गई ये चाय लाती हूँ, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, आज तो उस महारानी का किस्सा ही खत्म कर दूंगी, किसी काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने मुझे।
दर्द को।